ज्यादा ऑफ एटॉमिक नंबर में, तो इसका मतलब ये है कि उनकी इलेक्ट्रो कॉन्फिग्रेशन में यानी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में भी एक पीरियोडिसिटी शो होगी। यानी कि अगर लेट्स सपोज हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा एंड देन 4 आएगा। अब क्योंकि प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो सेम होता है हर न्यूट्रल एटम के अंदर, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर भी तरतीब से वो अरेंज हुआ है। तो यानी जब इलेक्ट्रॉन के नंबर भी अरेंज हुए हुए हैं एंड प्रोटॉन के नंबर भी इसी तरीके से अरेंज हुए हैं, इसका मतलब है कि पीरियडोसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी है वो प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई विच हैलोजेंस एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। हैलोजेंस का मतलब है ग्रुप 7 के एलिमेंट्स। तो हमें ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को देखते हुए बताना है कि कौन से गैसेस हैं, कौन से लिक्विड हैं, कौन से सॉलिड हैं, यानी बेसिकली उनके स्टेट्स ऑफ मैटर बताना है। फ्लोरीन रूम टेम्परेचर में गैस के फॉर्म में पाया जाता है, क्लोरीन रूम टेम्परेचर में गैस के फॉर्म में पाया जाता है, ब्रोमीन रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, आयोडीन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है एंड एस्टेटीन जो है वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स शो इररेगुलर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं यानी जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर जो अगर हम तरतीब देखें मेल्टिंग पॉइंट की एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो एक तरतीब के साथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा होता, तो इसकी हमें वजह बतानी है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर इररेगुलरिटी यानी कि वो रेगुलर ट्रेंड्स इसलिए शो नहीं करते क्योंकि उनकी क्रिस्टल लैटिस में डिफरेंट होता है, यानी उनकी जो एटम्स की जो अरेंजमेंट है उसमें तब्दीली आती है। यानी लेट्स सपोज हम ले लेते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम की, तो वो हेक्सागोनल में उनकी अरेंजमेंट हुई, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है उनका। कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम की ले लेते हैं, तो वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर रखते हैं। एंड अगर हम बेरियम एंड रेडियम की ले लें, तो वो बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर रखते हैं। तो इन तीनों तब्दीली की वजह से कि इन तीनों के पास डिफरेंट स्ट्रक्चर है क्रिस्टल लैटिस का, उनके एटम जो है डिफरेंट तरीके से अरेंज हुए हुए हैं, तो इस तब्दीली की वजह से क्या होता है, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो एक ऑर्डर के साथ इंक्रीज या डिक्रीज उनकी मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो रही होती। क्वेश्चन नंबर 7, why ionization energy, electron affinity and electronegativity exhibit the same trend in Peterson group? मतलब ये कि ionization energy, electronegativity और electronegativity तीनों ग्रुप में नीचे की तरफ डिक्रीज होते हैं और पीरियड में लेफ्ट राइट इंक्रीज होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि तीनों सेम ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, सेम पीरियडिसिटी दिखा रहे हैं पीरियडिसन ग्रुप्स में? तो अब वह सेम इसलिए दिखा रहे होते हैं क्योंकि पीरियड के अंदर जो है उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है और एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है। तो इस वजह से पीरियड्स के अंदर जो इनकी ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तीनों की सेम ट्रेंड्स हैं कि पीरियड के अंदर लेफ्ट राइट वो इंक्रीज हो रहे होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है एंड एटॉमिक रेडियस इनका डिक्रीज हो रहा होता है हर पीरियड में। और ग्रुप के अंदर इनके सेम ट्रेंड्स इसीलिए हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ सब डिक्रीज इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि इनकी जो शील्डिंग इफेक्ट है यानी न्यूक्लियस की जो रिएक्ट उनकी जो पावर है न्यूक्लियस की वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही होती है। तो क्योंकि न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज हो रही होती है तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उनके ऑर्बिट से निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को उस एटम से दूर करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इस लिहाज से आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों इसमें से इनके डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा होता है। चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से लेकर 7 तक। अल्लाह हाफिज़।